नाउ स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देखो, ये एक चार्ट दिया है, ठीक है, फिल द चार्ट बोल दिया है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हॉरिजॉन्टली दिया है 1 से लेकर 12 तक, और यहाँ पे भी वर्टिकली दे दिया है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किताब में जैसे ये जो 12 दे दिया ना, ये 12 को ग्रीन कलर का मार्क कर दिया, ठीक है। ये इसको जहाँ जहाँ पे 12 है इसको ग्रीन कलर का मार्क कर दिया है, ठीक है, ग्रीन से इसको कलर कर दिया है। अभी देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो 1 × 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, इस बॉक्स में कितना होगा, 1 × 1 इज़ 1। नेक्स्ट देखो 2 × 1 कितना हो रहा है, ये 2। 3 × 1 हम लोग जानते हैं, ये 3 × 1 इज़ 3। 4 × 1 इज़ हाउ मच 4। 5 × 1 इज़ 5। 6 × 1 इज़ 6। 7 × 1 इज़ 7। 8 × 1 इज़ 8। 9 × 1 इज़ 9। 10 × 1 इज़ 10। 11 × 1 इज़ 11। 12 × 1 इज़ 12, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स में आते हैं, तो ये वाला बॉक्स में कितना, हाउ मच इट विल बी, 1 × 2। 1 × 2 इज़ 2। 2 × 2 इज़ 4। 3 × 2 इज़ 6। 4 × 2 इज़ 8। 5 × 2 इज़ 10, ठीक है। 6 × 2 12। 7 × 2 हाउ मच इट इज़, 7 × 2। 7 × 2 इज़ हाउ मच 14, ठीक है। 8 × 2 इस बॉक्स में कौन आ रहा है, देखो 8 है और यहाँ पे कौन है, 2 है, तो 8 × 2 कितना हो रहा है, 16। इसमें कौन है, 9, इसमें देखो इसमें 9 और यहाँ पे 2, तो कितना होगा, 9 × 2 18। यहाँ पे देखो इस बॉक्स में कौन है, 10 और इधर में 2, तो 10 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20। इस बॉक्स में देखो 11 और यहाँ पे इस साइड में कौन है, 2, इस साइड में 2, तो 11 × 2 कौन कितना हो रहा है, 22। इस साइड में अगर ये बॉक्स वाला देखेंगे तो कितना हो रहा है, इस यहाँ पे कौन है, 12। इस साइड में कौन है, 12 और इस साइड में 2, तो 2 × 12 कितना हो रहा है, 24, ठीक है। सिमिलरली 3 का यहाँ पे करेंगे, 3 × 1 3। इस बॉक्स में कौन आ रहा है, 3 और 2, तो 3 × 2 इज़ हाउ मच 6, ठीक है। इसमें कौन आ रहा है, 3 और इसमें 3, तो 3 × 3 9। 4 इस बॉक्स में कौन आया, 12 कैसे आया, 4 3। सिमिलरली हम लोग इसको फिलअप करेंगे, ठीक है, टोटल जो बॉक्सेस हैं सिमिलर वे में हम लोग इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिलअप करने के बाद देखो कहाँ कहाँ पे 12 है, ये एक जगह में हमें 12 दिखाई दे रहा है, ये एक 12 दिखाई दे रहा है, ये एक 12 दिखाई दे रहा है, ये एक 12 है, ये एक 12 है, यहाँ पे एक 12 है और यहाँ पे एक 12 है। तो ये 12 कैसे आया है, देखो 12 × 1 12 12 ×, ये वाला 12 कैसे आया, 6 × 2 ये 12 हुआ। ये 12 कैसे आया, 3 × 4 3 × 4 3 × 4, ठीक है। ये वाला 12 कैसे आया, 3 × 4 अगेन 12। ये वाला 12 कैसे हुआ, 2, ये देखो यहाँ पे सीधा 2 और यहाँ पे 6, तो 6 × 2 12। सिमिलरली बीच में नहीं आ रहा है, ये 12 कैसे आया, 12 × 1 12 × 1 इज़ 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ से शुरू करते हैं, 12, ये 12 कैसे आ रहा है, 12 × 1, दैट मीन्स 1 × 12 दैट इज़ इक्वल्स टू 12। ये वाला अगर 2 ले रहा है तो ये 2 कैसे आ रहा है, 2 × 6 2 × 6 2 × 6 दैट इज़ ऑल्सो 12। यहाँ पे कैसे आ रहा है, 3 × 4, ये 12 कैसे आया, 3 × 4 3 × 4 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट अगर ये वाला 12 लेंगे तो कैसे आ रहा है, सेम 3 × 3 × 4, ये 3 × 4 12 3 × 4 अगेन दैट इज इक्वल्स टू 12।
ठीक है, ये वाला 12 कैसे आ रहा है, 6 into 2, 6 into 2, तो ये वाला 12 आपका यहाँ पे कैसे होगा, 6 into 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स 12। और लास्ट वाला जो 12 है ये 12 into 1, 12 into 1, 12, दैट मीन्स 1 into 12, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। सो ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो 12 का क्या क्या फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 12 बाय यूजिंग दिस चार्ट हम लोग 12 का फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले 1 into 12 is 12, 2 into, देखो यहाँ पे 2 into 6 है, 6 into 2 and 2 into 6, तो एक ही बात है, 2 into 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है, 3 into 4 और 4 into 3, एक ही बात है, 3 into 4, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आया 12 का, 12 का क्या क्या फैक्टर्स आया, देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या आ रहा है, ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10, बट 10 हम लोग कैसे निकालेंगे, इस ये वाला चार्ट को हम लोग यूज़ करके, ये वाला चार्ट को यूज़ करके हम लोग 10 का फैक्टर्स निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।